This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tarique Khan Javed. Nazreen, sabse pehle bata dun ki aaj humare paas ek bahut bade guest hain. Ek international banker, जिनको पॉजिटिव बैंकर कहा गया और जो मेरी जो इंथ्यूजम है पाकिस्तान के बारे में उसको बहुत वो शेयर करते हैं. मीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जल्द से जल्द. मार्केट में जो कुछ हुआ थोड़े से बताता चलूं. आज माशाल्लाह इनके आने की अहमदाबाद पे ही मार्केट प्लस हो गई. सुबह से कह दिया था कि आज हॉट कर देंगे शो को. तो जनाब 1000 पॉइंट प्लस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट. 1030 प्लस है, 100 में 42, 310 के लेवल पे आ गया. 130 दिखाइएगा दानिश. ओ माशाल्लाह यहाँ भी 613, 21, 721. आज नेगेटिव बोलने वालों का ज़रा मुंह काला हो गया ज़्यादा. ऑल शेयर्स, ऑल इम्पोर्टेंट ऑल शेयर्स में भी पॉजिटिविटी. 632, 32, 36 कंपनीज जिसमें काम हुआ ये बताइएगा जनाब आज क्या लेवल रहा. टोटल 360 कंपनीज में काम हुआ जनाब, जिसमें 252 एडवांसिंग है, 87 डिक्लाइन, अनचेंज 21. बस अब ये बताता चलूँ कि आज मार्जिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हो गए. 56,930 में, 100 में 84, ऑल शेयर्स 173. अगर कल का आप देखें तो 99,000 मिलियन के लाभ मुकाबले में बहुत अच्छा टर्न ओवर. एसगार्ड 9 वॉल्यूम लीडर है और आज वो बहुत न्यूज़ में भी है. उसके सीईओ वगैरह को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एग्री टेक जो है उसको डेट स्वाप किया था, उसमें तमाम बैंकों से, उसमें नेशनल बैंक भी था. तो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को भी पकड़ा गया है फॉर्मर, और इनको भी. लेकिन आज ये 22 मिलियन के टर्न ओवर के साथ वॉल्यूम लीडर हैं. TRG पाकिस्तान नेक्स्ट है 11, बैंक ऑफ पंजाब 8, आयशा स्टील मिल 8.6, के इलेक्ट्रिक 8.3. हाँ सर, वेलकम टू द शो सर. थैंक यू तारिक भाई, अमेजिंग प्लेजर एज ऑलवेज टू डू अ शो विद यू. सर ये जो हम मेरे ऊपर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि ये लोग पाकिस्तान की कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं. इससे अच्छा इल्जाम लग नहीं सकता है. अल्लाह ऐसे रोज लगाए, रोज लगाए. मैं गया कनाडा, मैं गया हॉलैंड, जहाँ भी गया हर आदमी अपने मुल्क की बड़ी तारीफ कर रहा है. मैंने कहा यार ये पीछे नहीं हट रहा है तारीफ से, हालांकि नेगेटिव चीज़ें उसकी पता. तो मैं अपने मुल्क की बुराई क्यों करूँ भाई. सर ये दिस हैज टू डू विद पर्सनालिटी. इफ यू आर अ पेसिमिस्ट, इफ यू आर अ नेगेटिव पर्सन, आपको इस मुल्क में सिर्फ नेगेटिविटी नजर आएगी. इंसान का दिमाग जो है ना, आवर साइकोलॉजी हैज अ लॉट टू डू विद व्हाट यू सी. आप रोज सुबह निकले और रोड पे काली गाड़ी तलाश करना शुरू करें, चार दिन के बाद आपको सिर्फ काली गाड़ियां ही नजर आएंगी, बाकी नजर ही नहीं आएंगी. इसी तरीके से अगर इस मुल्क में बुराइयां आप ढूंढना शुरू करें, और ये वो लोग हैं ज्यादातर जिन्होंने 6, 7, 8 ममालिक घूमे हैं, रहे भी नहीं है. थोड़ी देर के लिए गए हैं, या एक घर लंदन में खरीद लिया तो लंदन बहुत अच्छा लगने लगा. आप जाके परमानेंटली किसी मुल्क में रहें, या 50, 60, 65 मुल्क आपने जिंदगी में अगर देखे हों और वहाँ डीलिंग्स भी की हो, तो आपको एहसास होता है कि प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है. कहीं के कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं के कुछ और प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं. देखिए ना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन देना है. ये कहना कि पाकिस्तान बुरा है, ये अगर एक तोते को भी सिखा दिया जाए पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान बुरा है, दिन रात वो तोता भी. तो मैं इसलिए तंजन कह रहा हूँ कि तोता और इंसान में फर्क. अच्छा देखिए, नेगेटिव बोलने वालों की तो आपके जितने दुश्मन हैं वो भी ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं आपके खिलाफ. अच्छा अब हम और आप अगर एक महफिल में बैठे हुए हैं, हम अपने मुल्क की भी पॉजिटिविटी की हम भी ना बात करें तो कौन करेगा. और आपकी वालदा है, मिसाल के तौर पे वालदा होती है, वो मारती भी है बच्चे को, गलत है,
अगर मोरल तरीके से नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। वो डांटती भी है, वो गाइड भी करती है। क्या आप रोड पे जाकर अपने महल्ले में घर के सामने अपनी वालदा की बुराई करते हैं? नहीं, नहीं। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मारे किस लिए मारा? मुल्क हमारी माँ है जी। हम रोड पे जाके माँ की बुराई करते हैं। रोड समझ लीजिए लंदन हो गया, टीवी हो गया, व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए। ये मेरी समझ से बाहर है कि जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान में हो रही हो उस पर तनकीद करने वाले जिनकी नॉलेज निल है उस बारे में मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आजकल एक सीपेक के खिलाफ मैसेज चला जा रहा है कि 91% ऑफ ग्वादर इज गिवन टू दिस। इनमें से किसी ने 36 पेज नहीं पढ़े होंगे इन डेप्थ, और अगर पढ़ भी लिए होंगे तो उनकी समझ से बालातर होंगे, या कभी ग्वादर गए भी नहीं होंगे। ग्वादर की बात ही देखिए ना, मैं उस चीज पे तनकीद कर ही नहीं सकता जिस चीज में मेरी स्पेशलिटी ना हो। आप मुझे ये कहें कि अस्पताल कैसे चलना चाहिए, आप और मैं यार पता नहीं किसी डॉक्टर को लेकर आओ और चंद डॉक्टर्स को लेकर आओ जो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हो। हाँ, सिर्फ वो सर्जन ना हो, सर्जन को कुछ नहीं पता होगा, नहीं पता होगा उसको, ऑपरेशन थिएटर पता होगा सिर्फ। तो पाकिस्तान की बुराई करना एक फैशनेबल चीज होती जा रही है, मगर इंशाल्लाह देखिए ना, 70 साल से लोग पाकिस्तान के लिए अच्छा भी कह रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं, और जो बुरा कह रहे हैं वो जाए, अगर नहीं रहना चाहते, अगर रहना चाहते हैं तो सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। कौन कह, मैं तो कहता हूँ जिहाद है पाकिस्तान में रहना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मगर जिहाद अपने नफ्स का है ना। रिश्वत खुद देंगे और फिर कहेंगे कि जी बात करेंगे, नमाज पढ़ के आके दुकान में झूठ बोलेंगे प्राइस के मामले में, कहाँ से कपड़ा आया है, फिर पाकिस्तान की बुराई करेंगे। आजकल एक वीडियो चला हुआ है हर तरफ, डेरा दुबई में आज से 3 साल पहले दो फिलिपिनो खवातीन ने एक अफगान शॉपकीपर को मारा था, वो डिपोर्ट भी हो गई, ये मुझे पता है, बहुत पुराना केस है, वीडियो चल, उस वीडियो को आजकल सीपेक से रिलेट करके चलाया जा रहा है कि ये चाइनीज औरतें पाकिस्तान में पठानों को मार रही हैं। खुदा का खौफ करे। एनीवे सर, ये पिछले दिनों काफी पेसिमिज्म आ गई, और वो जो ब्रिगेड है नेगेटिव बोलने वाला, वो बड़ा ताली वाली बजाता रहा कि देखा हमने कहा था ये 50,000 की मार्केट जाली, और ये अब तो ये 20 पे चली जाएगी और 15 पे चली जाएगी। और लोग बड़े परेशान, वो आपको भी ढूंढते रहे, मुझे भी ढूंढते रहे, भाई किधर गए खान साहब, बता नहीं रहे भाई। हमने कहा था कि हमने तो आज तक अपना स्टैंस चेंज किया ही नहीं। 10,000 से तारिक भाई ये मार्केट 500% ऊपर गई है, ठीक है, 50,000-54,000 पे चली गई, 15-20% का तो करेक्शन आएगा ना। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि नीम हकीम खतरा है जहाँ बहुत हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके। अच्छा, एक स्टॉक 125 पर है, वो 125 पे कहेगा अगर मार्केट में मंदी है, ये 100 पे जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस से, अगले दिन इत्तेफाकन वो 132 पे ऊपर चला जाता है, 7 रुपये ऊपर, उसी वक्त डायरेक्शन चेंज होती है। अब क्या है, अगर ये 132 कल के ऊपर बंद हुआ तो ये 142 पे जाएगा, वहां से 160 पे जाएगा। देखिए, आप और मैं हमेशा चीखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, इसको अपनी इनकम ना समझें, इसको अपना एसेट और इन्वेस्टमेंट समझें, उसका रेंट ले लें आप डिविडेंड के सूरत में, डिविडेंड मिलता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हर महीने हम समझते हैं हमें मार्केट से कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए, और बुल मार्केट में तो आ जाती है, तुक्का लग रहा होता है हर एक का, वो कह रहा है कब बनाने वाली फैक्ट्री ऊपर चली जाएगी, चलो चली जाती है। जब बेयर मार्केट आती है तो वैल्यूज आती हैं, वी आर इन अ बेयर मार्केट राइट नाउ, मगर इट हैज़न्ट बीन एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर इन अ बेयर मार्केट। मार्केट हैज़ टू ट्रेड 28 ट्रेडिंग डेज बिलो 20%, वो इस वक्त बार बार तोड़ के ऊपर आ रही है, बार-बार तोड़ के ऊपर रिजिस्ट कर रही है, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में देखिए लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान में वैल्यूज हैं। इंडेक्स के नीचे जाने से क्या एंग्रो की अर्निंग्स नीचे चली गई, डीजी खान की अर्निंग्स नीचे चली गई, होंडा कार क्या गाड़ियां नहीं बेच रहा है, नेशनल फूड क्या मसाले नहीं बेच रहा है। कल मैंने अखबार खोला और बिजनेस पेज पे एक लाइन से लिस्ट ऑफ वो थे, रिजल्ट्स थे, स्टार्टिंग विद अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, 90% I think almost 90% of our companies are profitable. हाँ, National Refinery 100 रुपए कमा के दे रहा शेयर की वैल्यू इस वक्त,
अब उठा के देख लीजिए, 400-450 कुछ ऐसे ही है मेरे ख्याल में, 500 कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता, देखा नहीं। बताइए कि कोई सेंस बनता है कि जो कंपनी 100 रुपये कमा रही है, मैंने तो मैंने उसके ऊपर मैंने बेहतर समझा कि मैं एक जनरल से एक कमेंट लिख दूँ कि मैंने लिखा पाकिस्तान मार्केट इज मूविंग एंड लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी दे वोंट अंडरस्टैंड एंड ऑल अप ऑल रिकॉर्ड नथिंग बेटर कुड बी दे कैन अंडरस्टैंड दैट सीधे कि जब आपका बैरोमीटर आगे मैंने और लिखा क्योंकि लॉट ऑफ पीपल बॉट शेयर्स विच आर गोइंग फंडामेंटल चेंजेस जैसे कि एंग्रो फूड है PRL है मैंने कहा दे आर मेनी कंपनीज हु आर एक्सपैंडिंग लाइक मुगल स्टील अमरेली मैंने कहा ये सब में फिलहाल ASL, ISL, Honda Cars, BG Khan, तो ये मैंने कहा एंग्रोथर पावर प्लांट ये सब जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स में होगा जहाँ पे एक्सपेंशन होती है डिस्टर्बेंस होती है बट वंस द हायर प्रोडक्शन कम्स इन इट विल बी डिफरेंट बॉल गेम इंशाल्लाह तो आप लोगों ने अगर कोई ऐसा शेयर लिया हुआ है जहाँ पे रीमॉडलिंग हो रही है या जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एक्सपेंशन हो रहा है तो यू हैव टू वेट फॉर द एक्सपेंशन टू टेक प्लेस नॉट एक्सपेक्ट कि अरे रिजल्ट कम हो गया रिजल्ट तो कम होगा देखिए ना रिजल्ट कम भी अगर होता है एक क्वार्टर के लिए शायद कोई राइट ऑफ लिया हो उन्होंने आपको होलिस्टिकली और हिस्टोरिकली दोनों देखना पड़ता है कैश फ्लोज देखने पड़ते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखनी पड़ती है यू नो हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको फ्यूचर ऑफ द कंट्री देखना पड़ता है इकॉनमी देखना पड़ता है सर्टन सेक्टर्स की ग्रोथ देखनी पड़ती है एज पर कैपिटा ग्रोथ कि भाई स्टील की पर कैपिटा ग्रोथ क्या है सीमेंट की पर कैपिटा ग्रोथ क्या है हाउ मेनी पीपल हैव कार्स हाउ मेनी नीड इट हाउ मेनी आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय द बैंक्स वो बैंक भी पैसे बनाएगा गाड़ी वाला भी बनाएगा गाड़ी बेचने वाला बनाने वाला भी बनाएगा सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे ख्याल में अब तो मार्केट सेल पे आ गई है सेल वैल्यू ओनली फॉर द पीपल हु हैव अ स्ट्रांग हार्ट एंड फॉर द लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में सेल पे आ चुकी है अच्छी बेल वेदर कंपनीज को खरीदा जाए जो सॉलिड बड़ी कंपनीज हैं वो खरीदा जाए और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जमीन खरीद के आप रखते हैं वाह 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 क्या बात आपने जमीन खरीद के जमीन अच्छा सर जमीन खरीदता है ना 20 साल के लिए भूल जाता है अच्छा मेंटालिटी सुनिए जमीन बेचते हुए मैंने लोगों को हार्ट अटैक होते हुए देखा है जो जमीन बेचने आया ना प्रॉफिट में भी बेचने पे अरे हार्ट अटैक क्यों उसको बेइज्जती हो रही है बाप दादा की जमीन थी या उसी ने पहले खरीदा था बिल्कुल सही अब वो बेचने आया है रजिस्ट्रार के सामने उसको मिल रही बहुत बड़ी रकम लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा है जी जी लेकिन शेयर बेचते हुए आज तक किसी को मैंने ये मेरे ख्याल में आते हुए नहीं देखा देखिए ये वाली जो पॉइंट आपने बहुत अच्छा निकाला ये पॉइंट मेरे ख्याल में कंपनी के स्पॉन्सर्स जो है ना वो इस पे अमल करते हैं हाँ, वो अपना शेयर नहीं बेचते वो नहीं बेचते जी मेरे दादा ने कंपनी हाँ, शुरू की थी हाँ, वालिद ने लिस्ट की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मैं नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा तो अच्छा सर वही लोग पैसे कमाते हैं देखिए ना आप लॉन्ग टर्म कौन सा शेयर 20 साल पहले कहाँ पे था आज कहाँ है कौन सी कंपनी की वैल्यू 20 साल पहले कहाँ थी आज क्या थी सिर्फ उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू निकाल लेना एक मैं प्रोग्राम देख रहा था बहुत मजे का इंडिया में आता है मार्केट वॉच मार्केट की तरह एक कॉल आई ओनर उसके होस्ट को कि जी मेरे वालिद मेरे दादा ने 20 साल पहले MFR एक MFR वहां भी एक कंपनी है वो टायर वाली नहीं पता नहीं कौन सी थी MFR खरीदे उसके 20,000 शेयर है मेरे पास और मुझे अभी दादा ने बताया तो आप बताइए मैं इसको डीमैट करवाना पड़ेगा क्योंकि सारे वो वहां पे भी CDC सिस्टम आ गया वो अपने एंकर बोलता है अपने प्रोड्यूसर को जरा इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करके बताइए मुझे फिर वो उससे बात करता रहता है कि आप डीमैट करवाइए बिक सकते हैं बोनस स्प्लिट सब मिलाकर वो स्टॉक 64,000 पे ट्रेड हो रहा था यू नो व्हाट द वैल्यू वाज 130 करोड़ रुपए इंडियन माय गॉड 800,000 रुपए लगाए थे उसके दादा ने तो वो उसको कहता है ऐसे ही उंगली करके अच्छा अच्छा प्रोड्यूसर कहते हैं आपको पता है आपके शेयर की वैल्यू क्या है वैल्यू क्या है बोलते हैं मुझे नहीं पता बोला 130 करोड़ बोलते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया मेरे अच्छा उस वक्त शो कट गया मेरे पास वो क्लिप आया था मैंने बोला अल्लाह इसको जिंदगी दे ऐसा तो नहीं कि वो वहीं पे बेचारा 130 मतलब पाकिस्तानी 200 करोड़ पे ये शाजो नादिर होता है मगर कहने का मकसद ये जिस लाइन पे आप बात कर रहे थे कि आज से 25 साल पहले आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ था तो उसकी वैल्यू क्या होगी आज पाकिस्तान में नेस्ले साहब 200 रुपए का मिलता था अब देखिए 6-7,000 10,000 का और वो स्प्लिट्स
बोनसेस डिविडेंड्स वो सब उसको आप एक क्लासिक छोटा सी हम तो छोटे गरीब लोग हैं एक जमाने में मैंने वो एमसीबी का शेयर आया तो मैंने कहा कि मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे भी वही 100 मिले 100 में दे रहे थे 50 रुपए का शेयर जी 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 तो मैंने उन्होंने के नाम पे भी अप्लाई कर दिया उस वक्त ही सोचा था कि उन्हीं के लिए अपने लिए सोचा था नहीं बिल्कुल सही अच्छा फिर बाद में छोड़ दिया यकीन मानिए वो 100 शेयर जो है ना अब 1200 शेयर हो गया माशाल्लाह बोनसेस मिला के और उसके डिविडेंड चेक्स आते रहते हैं रोजाना हर बहनों के मैं कहने 53 डिविडेंड चेक्स आ चुके हैं अल्लाह हू अकबर ये कितना 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था आज उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए लेकिन ये नहीं समझते ना ये आजकल मेरे ख्याल में हमारी जो यूथ है उसके अंदर एक जल्दबाजी बहुत आ गई है हर कोई बिटकॉइन की मिसाल देने लगता है कि जी $100 से $10 से 4000 पे चला गया देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना इट्स एन इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट एन इनकम आप खरीदें जैसे जमीन खरीदते हैं भूल जाएं हर महीने ऐड करते रहें अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें अगर आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं है इतने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान में और आपको पता है हमारा 19 ईयर एवरेज रीएडजस्ट हो गया है अब पहले हमारा 19 ईयर एवरेज 19.8% था सॉरी 11 ईयर एवरेज 19.8% था अब 23.4% हो गया है 11 years में जिसमें 2008 का भी क्रैश आया 2005 का भी क्रैश आया पूरी मार्केट फ्लक्चुएशंस भी आई सब मगर अगर आप क्यूमुलेटिव उठाकर देखें तो आप उस कैलकुलेटिंग इज 23.4% नाउ 23.4% आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट दे रहा है भाई इस मुल्क में जिसमें आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो कुछ नहीं आराम से बैठे खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो आप फैक्ट्री चला रहे हैं 18% के ऊपर चला रहे हैं और आपको हार्ट अटैक 20% के ऊपर चला रहे हैं 19 घंटे काम कर रहे हैं आप वो चलाएं मेरा ये मकसद नहीं है कि आप कि जी फैक्ट्री छोड़ के वेरी स्ट्रेसफुल ना तो इसको आप एक नेमत समझें पाकिस्तान अगर नेमत है इफ़ यू बिलीव इन पाकिस्तान यू बिलीव इन पाकिस्तान इकॉनमी इट विल ग्रो विथ डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स इट विल ग्रो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है हमारी पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ी है हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम हर चीज़ बढ़ी है फूड बढ़ी है मिडिल क्लास हैज़ कम अप अ लिटिल बिट यू नो देर आर मोर बैंक्स नाउ देन 20 ईयर्स अगो हर चीज़ बढ़ रही है हमारी GDP पिछले 20 साल से कंपेयर करें ये एक तो हम वी आर ए पोलिटिकली ग्रैब्ड नेशन हर शाम को ये पार्टी आके उसकी बुराई करती है 100 चैनल पे बक 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 करती देखिए ना आप दुनिया में कहीं नहीं हर हर हुकूमत की कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी उसको भी उजागर कर दे नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ अच्छा किया है बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया था जरदारी ने भी किया था मुशर्रफ ने भी किया था आप हर एक की सिर्फ बुराई ढूंढेंगे अगर तो आपको सिर्फ बुराई नजर आएगी ये अच्छाई इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप देखें कि कोई एक किसी एक आदमी के ऊपर पाकिस्तान का इन्हिसार नहीं है पाकिस्तान का इन्हिसार सिस्टम पे है और वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बेहतर होता जा रहा है डेमोक्रेसी की दुआ करते थे ना लीजिए आइए आइए ना अब आइए अब इसको चबाइए अब इसको हजम कीजिए बहुत खुशी हुई आप आए और बहुत हिम्मत बढ़ाया आपने मेरा भी और हमारे सुनने वालों का भी ये है पॉजिटिव बैंकर जो बिल्कुल ही पॉजिटिव और क्लियर कट बात करते हैं इन्होंने माँ की मिसाल दी मुल्क हमारा माँ हमारी माँ है इसकी बुराई कैसे करें कर ही नहीं सकते ना इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ